बिल्कुल रेडी हो गया दोस्तों। ये देखिए, चलिए दोस्तों वीडियो इसको पीस के बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, पीस चने की दाल की सब्जी कैसे बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग भी पकौड़े तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों सब्जी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग इसको पकौड़े तैयार कर लेते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज बनाएंगे हम लोग चने दाल के पकौड़े की सब्जी। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बनाते हैं चने दाल की सब्जी। कैसे बनाते हैं दोस्तों ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा सिलबट्टा है और इस पे दोस्तों दाल को हम लोग पीस के तब बनाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मिक्सिंग में पीसेंगे तो दोस्तों ज्यादा बारीक हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम लोग सिलबट्टे पे इसको पीस के बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, चने की दाल की सब्जी कैसे बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए, इसको आराम आराम से हल्का सा मोटाई दोस्तों बनाएंगे, ताकि हमारे पकौड़ा दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से बने। हाँ तो चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग इसको दाल को सारे को पीस लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो हम चने दाल के पकौड़े बनाएंगे उसके सब्जी, उसमें दोस्तों हम डालेंगे अदरक लहसुन और जीरा के पेस्ट बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट हम लोग पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम इसको पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे चने की दाल अच्छी तरह से दोस्तों पीस गया है। और दोस्तों इसको पीसेंगे जब मोटे मोटे रहना चाहिए दाना, तब दोस्तों हमारे ये पकौड़े बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग उसको पकौड़े बनाते हैं, उसके बाद दोस्तों इसको सब्जी बनाएंगे और टेस्ट दोस्तों लाजवाब बनेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हमारा जो मसाला तैयार किया दोस्तों, इसमें क्या क्या डाले हैं? हल्दी, धनिया, मिर्च। दोस्तों इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च डाल के दोस्तों इसको मिक्स करके और छोड़ देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम फटाफट हम लोग पकौड़े बनाते हैं। उसमें दोस्तों हरी मिर्च, हल्दी, नमक और जो दोस्तों मसाला बना है वो रख के दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम लोग। और दोस्तों इसका पकौड़े का स्वाद कुछ अलग बनेगा दोस्तों। पकौड़े में हरी मिर्च दोस्तों जरूर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों अच्छे तरह से मिक्स हो गया दोस्तों। यह हमारे इधर तेल भी गर्म हो गया दोस्तों। अब फटाफट दोस्तों इसको पकौड़े बना लेते फटाफट। और दोस्तों इसको प्याज को अच्छी तरह से दोस्तों तोड़ के तब डालेंगे दोस्तों पकौड़े के लिए। दोस्तों फटाफट हम इसको पकौड़े बनाते हैं इस तरीके से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम लोग फटाफट पकौड़े बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग पकौड़े बना लेते हैं इसी तरीके से। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी पकौड़े तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों सब्जी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग इसको पकौड़े तैयार कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बनाते हैं चने दाल की सब्जी। तो दोस्तों हमारा ये तेल गर्म हो गया दोस्तों, अब इसमें डालेंगे दोस्तों तेजपत्ता, दोस्तों तेजपत्ता डालने से हमारा सब्जी में खुशबू अच्छी तरह से बढ़ जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा तेजपत्ता पक गया दोस्तों, अब डालेंगे दोस्तों प्याज और देखिए दोस्तों स्वादिष्ट बनाएंगे दोस्तों। आप लोग एक बार बनाइएगा दोस्तों तो बार बार खाइएगा दोस्तों, इतना टेस्टी बनता है। और हफ्ते में हम तो कह रहे हैं दो तीन बार जरूर बना के खाइए दोस्तों, इतना सुंदर लगता है दोस्तों खाने में। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग बनाते हैं चने दाल के पकौड़े की सब्जी। दोस्तों मीट मछली सब भूल जाइएगा,
और आप लोग मीट मछली नहीं खाते तो एक बार चने दाल के पकौड़े की सब्जी बना के खा कर देखें दोस्तों। तो हमारा प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से भुजा गया है, आम डालेंगे दोस्तों हम लोग टमाटर इसमें। और चलिए दोस्तों इसमें मसाला हम ऐड कर देते हैं ताकि दोस्तों हमारा मसाला इसमें फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से। और दोस्तों हमारा मसाला फ्राई होगा तभी दोस्तों सब्जी टेस्टी बनेगा। चलिए दोस्तों इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देते हैं। और दोस्तों इसमें हल्का सा नमक डाल दीजिएगा ताकि हमारा दोस्तों जल्दी से गल जाएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ देर इसको मसाला को हम अच्छी तरह से पकने देते हैं, उसका दोस्तों हम अपना इसमें पकौड़ा डालेंगे और थोड़ा दोस्तों टेस्टी के लिए आलू भी रख देंगे ताकि टेस्ट और जबरदस्त बने। तो ये देखिए दोस्तों हमारा चने की दाल के पकोड़े वाली सब्जी दोस्तों बन के बिल्कुल रेडी हो गया दोस्तों, ये देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।